बाद से एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है। मतलब प्रकृति का मतलब वास्तविक का उल्टा कैसा होगा, आभासी होगा वास्तविक होगा, और आवर्धन का मतलब कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो ये तीन चीजें इसमें निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, एक तो फोकस दूरी दी है और उत्तर लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक ही रहेगी, 12.5 है। यू का मान दिया है, यू का मान सदैव माइनस लिया जाता है 15 सेंटीमीटर, और बी का मान हमें निकालना है, साथ में एम का मान भी निकालना है। अब ये जो वास्तविक और आभासी का पता चलता है ना, ये पता चलता है उन छह स्थितियों से, जिसे वो छह स्थिति पता होंगे। छह स्थिति पता होने का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 12 है। तो जो फोकस दूरी 12 होगी, 12.5, इससे दुगनी दूरी पर 2f होगा। 2f कितनी दूरी पर होगा, 12.5 से दुगना करेंगे तो 25 पर। अब वस्तु कहाँ रखी है, 15, तो वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, लगभग 12 और 25 के बीच में कहीं यहाँ होगी। नियम अब तुम्हारे पास कौन सा वाला काम करेगा, जब वस्तु 2f और f के मध्य स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फिर पता बनता है, f तो यहाँ होगा, 2f यहाँ होगा और अनंत, क्योंकि अगर जो यहाँ वस्तु रखी होती तो अनंत पर प्रतिबिंब पहुंच जाता, वस्तु उससे पीछे आ गई तो प्रतिबिंब भी पीछे आ जाता है यहाँ, ये स्थिति। तो प्रतिबिंब तो हम बता सकते हैं कि वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वो तो हम लिख देंगे लास्ट में, पता हमें तय कर लिया। बात करते हैं बी की, तो हम कहेंगे चूंकि 1/f = 1/b - 1/u, 1/f का मान हमें पता है 12.5 है, बी का मान हमें निकालना है, और ये माइनस यू का मान जो है वो माइनस से 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर ले आएंगे फिर माइनस हो जाएगा 1/u। अब इसमें से 0.5 बढ़ा दो, 0 बढ़ा देंगे, और ये फिर इसे डिवाइड करें 5 से, तो 5 × 10 और 25 बाद ही कट जाएगा, यानी कि 2/25 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 1/15 यहाँ आ जाएगा, बराबर 1/b आ जाएगा, 75 + 75 और 3 × 6 15 × 75 कितना आ जाएगा, 1/4 कहने से 5 जाएगा, 1/75 और 1/b, यानी कि बी बराबर जो ना वो 75 आ जाएगा सेंटीमीटर। देखो यहाँ माइनस नहीं आया, अगर माइनस आता तो प्रतिबिंब इधर ही बनता, प्लस आया है इसका मतलब प्रतिबिंब इधर से इधर ही बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, 75। ये कितना था, 12.5 जो वस्तु रखी थी, 12.15 ये 15 सेंटीमीटर में जो वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब 75 बजा के बनता है। आवर्धन और बता देंगे, आवर्धन ये बताते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, ये प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा बनेगा। तो आवर्धन m बराबर जो है ना तो b/u होता है, b की वैल्यू कितनी है, 75, u की वैल्यू माइनस के 15 बन जाए, तो माइनस ये दर्शाता है कि उल्टा बनेगा और 5 ये दर्शाता है कि 5 गुना बड़ा बनेगा। समझिए, तो हम कहेंगे अतः ये आएगी लास्ट लाइन जिसमें सब कुछ आ जाएगा, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 75 सेंटीमीटर, ये स्थिति आ गई उसकी 75 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक, ये प्रकृति आ गई, दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा कितने गुना, 5 गुना बड़ा बनता है। ये तो इतना कुछ इसमें सारा का सारा लास्ट में लिखना होता है, सारा सारा जो हाँ जी। Thank you.
चार चंद आ रही है और उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनने का पड़ते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनना, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनना था। आपको करें तो बीच के बीच में फिर एक लैंप रख दिया जाता है। अब यहाँ तक तो सोचना कि अगर लैंप रखने पर प्रतिबिंब जो है वो आधी दूर चला जाता है तो कितना और दर जाते हैं, तो उसका लैंप होगा। और क्योंकि अगर कितना फैल लें प्रतिबिंब बहुत दूर जाकर बन जाए तो अपना लैंप होता है को फैलाना आगे तक होना। अब आपका लैंप सुनो को प्रतिबिंब यहाँ जा रहे थे उसमें कितना और चला दें तब थोड़ी सी दूर जाकर फोकस करें, तब थोड़ी दूर जाकर फोकस करें। अगर जो प्रतिबिंब है वो दूर जाकर बन जाए तो करें तो जो 15 सेंटीमीटर पीछे खिंचाना पड़ता है उसका आपका लैंप। आपको कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर आगे वो खिंचाना पड़ता है या लैंप से वो खिंचाना पड़ता है, उसका मतलब बीच में लैंप रहता था तो उसका लैंप। कभी कभी लैंप की प्रतिक्रिया भी पूछ लेता है कि लैंप की प्रतिक्रिया भी बताइए, तो उसका लैंप से उसकी बात करिए ना। तो अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को दूर नहीं जाना पड़ रहा है तो वो उसका लैंप है, और अगर वो पर्दा से आगे खिंचाना पड़ रहा है तो आपका लैंप। आपको कह रहे हैं कि एंट्रेंस के बीच में एक अपर लैंप रख दिया जाता है तो पर्दे को पहले जहाँ रखा था उससे 15 सेंटीमीटर आगे खिंचाना पड़ता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, वरना प्रतिबिंब नहीं बनता प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ जो है उसे 15 सेंटीमीटर आगे खिंचाना आगे। आप जब आगे खिंचा दिया हमने तब क्या होगा, जब दूसरे लैंप में बच्ची में लैंप द्वारा बच्चे का प्रतिबिंब आई पर बनता है यहाँ अंतर है ना। लेकिन दूसरे लैंप जो होता है ये जो आई वन प्रतिबिंब है दूसरे लैंप जो है बच्चे को आगे करता है और इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा आई पी पर बनेगा। पर देखो ये बच्चों का कार्य करेगा तो ये टी वी का मान होगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी रहेगी 10 ये 15 ये कितनी 25 हो जाएगी। अगर 25 हो जाएगी तो 30 की जगह 25 लगा देंगे, टाइम पर कितना जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 2 बार और यहाँ आ जाएगा 5 बार।
जी हाँ सर, यह है ये क्वेश्चन। दस सेंटीमीटर क्वेश्चन सुन लो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर बाईं ओर एक वस्तु रखी है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक दूसरा लेंस रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है। क्या अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, अब तक क्वेश्चन का आजादी क्वेश्चन में। चित्र तुम अपने जैसा क्यों बनाते हो? छोटा कैसे बोले नहीं बंद हो गया, जमा कर जाओ अगली बार लग जाओ। अब देखो इधर एक साथ बना लेना, जरा भी इधर देख लो, जरा एक साथ कर लेना, देख लो क्वेश्चन को, वरना धोए निकल जाएंगे तुम्हारे। क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा नमस्त, जो तुमसे वो चित्र नहीं बना ना, तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि वो चित्र एक बार और बन चुका है और उसके बावजूद नहीं बना। बता यार कैसे कैसे लोग हैं। अब इधर देखो, इधर इधर अब देख भी लो यार, इधर लो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस। अब वो क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस पर बाईं ओर एक वस्तु रखी है। ये है कोई उत्तल लेंस, अगर वो उत्तल लेंस ना भी देखे ना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक लेंस है, तो भी हमें समझ में आ जाता है कि उत्तल लेंस है क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है। अब यहाँ से देखो सर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो ये होगी बराबर वाले उत्तल लेंस से बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इससे दुगनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब कहीं बनता होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कहें इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब 30 सेंटीमीटर में ये देखना पड़ेगा कि वो लेंस यहाँ कहीं होगा, मतलब प्रतिबिंब से आगे आ जाएगा या प्रतिबिंब से पीछे आ जाएगा। तो पहले हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तभी हम दूसरा लेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे पहले लेंस के लिए देखो, पहले लेंस के लिए क्या है, पहले लेंस के लिए U1 बराबर कितना है, -2। U1 का मान हमें निकालना है, F1 का मान कितना है 10। तो हम कहेंगे क्योंकि 1/4 F बराबर 1/3 -1/2, ये सब 1/1 हो गया। अब फोकस दूरी 10 है, D का मान हमें निकालना है और डी ये 20 है, जितना से लेकर अलग अलग मान से। अब यहाँ जाएगा 1/2, अब एक में से आधा जाएगा तो आधे बचेगा, क्या था समझ लो, वरना 1/20 से बचेंगे कितना हो जाएगा, तो
याद रखना, ये मत देखना वस्तु उल्टी आ गई सीधी आ गई। अब क्या है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, अब ये प्रतिबिंब इस लेंस में वस्तु का कार्य करेगा। जिसका प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा वो तुम्हें सोचना है कि लेंस में ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ वस्तु जो, अब पीछे वाला तो भूल गई, अब इस लेंस में देखो कि फोकस दूरी आ गई है, प्रतिबिंब की दूरी आ गई है, सॉरी ये फोकस दूरी आ गई, वस्तु की दूरी आ गई है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब ये सोचने वाली बात यह है कि फोकस ये है, लेंस ये है, वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी है, कौन सी स्थिति है, वन टू थ्री फोर वाली है, ये लास्ट वाली स्थिति है कि जब वस्तु देखो करिए ये वाली स्थिति है, सुनो ना, जब फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रखी होती है ना तो वो कहीं काट के नहीं है तो उसका प्रतिबिंब इधर ही बनता है, जाता है आभास में और वस्तु की दिशा में ही बनता है। अब ये मत सोचना कि वस्तु उल्टी रखी है तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, अगर जो वस्तु उल्टी भी होती तो किरणें इस तरीके से जाती और उसका प्रतिबिंब इधर ही कहीं बनता, बनेगा इसी साइड में, तो हमें वो तो हम देख लेंगे कितनी साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर सही, आंसर सही करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी हमारा आंसर आएगा आंसर माइनस में आना चाहिए, आंसर हमारा माइनस में आना चाहिए और वो भी इतना आना चाहिए कि कम से कम 1200 तो ज़्यादा आना चाहिए, प्रतिबिंब इधर आकर बनने वाला, तो 1200 तो ज़्यादा आना चाहिए। तो देखने में दूसरे लेंस में कुछ देखो, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए यू टू बराबर तो माइनस से 10 आ जाएगा, एफ टू बराबर 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, उसका लेंस भी फोकस दूरी ध्यान में रहेगी, यू टू का मान हमें दे देना। अब बात आती है 1 upon f2 = 1 upon d2 - 1 upon u2 का मान है 12.5, 1 upon d2 u, यू टू जो आएगा वो माइनस से 10 हो जाएगा, घटा के फिर माइनस हो जाएगा 12.5, 10 हटा देंगे 0 बना देंगे 2 और ये 25, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि 2/25 - 10 बराबर 1/2, 50 ऐसे ले लेंगे, 25 × 50 = 4 और -5 बराबर 1/2, -1/50 = 1/2, यानी कि डी टू बराबर है -50 सेंटीमीटर। अब तो जो माइनस के 50 कहाँ पहुँचेगा, 10 ये है, 20 ये है, 30 हो गया और 30 के बाद में 20 ये है, यानी कि प्रतिबिंब यही आकर बनेगा 50 सेंटीमीटर। अब कितना बड़ा बनेगा उस बात का आइडिया तुम इससे लगा दोगे कि उसमें लास्ट में तुमसे एम भी पूछा, ये डी अपॉन यू होता है। अब एम बराबर डी का मान बोलू माइनस में आएंगे, 50 यू का मान बोलू माइनस में आएंगे, ये आ जाएगा और एम बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि इसी जैसा बनेगा, देखो इसी की दिशा में, अगर इससे विपरीत बनता ना तो यह फिर माइनस आ जाएगा। अब वस्तु भी इधर की हो रही है, एक तरीका ऐसा समझना कि वस्तु भी अगर ऊपर की ओर होगी तो प्रतिबिंब उधर ही है, वस्तु नीचे है तो प्रतिबिंब नीचे, इसमें आवर्धन माइनस में आएगा, आएगा क्योंकि वस्तु ऊपर है तो ये माइनस है, मैं चेक कर सकते हो मेरे पहले लेंस से आवर्धन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ जब एम बराबर निकालेंगे निकालोगे तो डी वन और ये डी वन, डी वन का मान कितना आएगा, इसमें 20 प्लस में आएगा और यू का मान कितना 20 और यू का मान माइनस में 20, यानी कि एम बराबर -1 आएगा, वस्तु के जैसे ही बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो फाइनली हमारे पास अंतिम आवर्धन है, ये तो कहता है अंतिम प्रतिबिंब का आवर्धन भी पूछा स्थिति, तो स्थिति ये है आवर्धन की।